विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ। साथ ही सोयाबीन के एमएसपी पर खरीद भी जल्द होगी। इसके लिए 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी होगी। प्रदेश में 1400 उपार्जन केंद्र होंगे। 4892 रुपए पर सोयाबीन की खरीद होगी। सरकार ने 38.68 लाख मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी दी है। तो मोहन कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण फैसले एक सोयाबीन खरीदी को लेकर है, एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी को लेकर, और एक विधायकों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष अपना इनकम टैक्स खुद भरना होगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला किसानों के लिहाज से, ये और बात है कि किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दाम मांग रहे हैं 6000 और सरकार एमएसपी तय कर चुकी है 4800, तकरीबन 4800। तो एमएसपी पर अब खरीद जल्द होगी। 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी होगी। प्रदेश में 1400 उपार्जन केंद्र और 4892 रुपए की खरीद पर यह सोयाबीन खरीदा जाएगा। 38 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी को मंजूरी मिली है। किसानों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण फैसला। मोहन कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इसके अलावा भी कई और मुद्दों पर चर्चा हुई। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कैबिनेट बैठक, महत्वपूर्ण फैसले और उसकी हम अभी जानकारी भी दे रहे थे। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ललित, सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला हुआ है वो किसानों को लेकर हुआ है। जिस तरीके से सोयाबीन को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 4892 रुपये जो एमएसपी तय की थी उस पर खरीदी के जो उपार्जन नीति है उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है कि 25 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो किसान है जो सोयाबीन की फसल उगा रहे हैं वो अपना पंजीयन करा सकते हैं और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इनका उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगभग 1400 केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर किसान अपनी सोयाबीन की फसल को बेच सकेंगे। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसके बाद केंद्र सरकार ने एमएसपी देने की बात जो है उसको मंजूरी दी थी और 13.86 लाख क्विंटल मीट्रिक टन जो है वो सोयाबीन खरीदा जाएगा। तो ये किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में एमएसपी जो है वो सोयाबीन के किसानों को नहीं मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली कैबिनेट में एक प्रस्ताव है केंद्र सरकार को भेजा था उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो अब एमपी एमएलए के, देखिए मैं पिछले दिनों जिस तरीके से खबर आई थी कि एमपी एमएलए जो मध्य प्रदेश के विधायक जो है वो उनको अपना इनकम टैक्स खुद बहन करना होगा। इसके पहले जो है वो सरकार उनका इनकम टैक्स का जो पैसा होती थी वो भरती थी और अब चूंकि आज जानकारी जो राजेंद्र शुक्ल ने दी है कि खुद विधानसभा अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो या विधानसभा उपाध्यक्ष हो, इन लोगों ने भी सरकार से ये बात कही थी कि जब विधायक जो है वो अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो ये लोग भी अपना इनकम टैक्स भरेंगे। तो इसको भी मंजूरी आज मिल गई है। विधायकों के लिए नए आवास बनने को भी मंजूरी मिली है। एमएलए गेस्ट हाउस में जो अभी 1 BHK कई स्तर के जो फ्लैट हैं जिनमें विधायक रहते हैं उसको जगह अब नए जो है नए फ्लैट तैयार किए जाएंगे जो 104 जिनकी संख्या होगी और जो 3 BHK होंगे जिससे कि वहां रहने वाले विधायक और उनसे मिलने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जी बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे क्या कुछ कैबिनेट की बैठक में हुआ और अब ये फैसले जमीन पर भी जल्द ही उतारे जाएंगे। अब तेज रफ्तार खबरें।